अध्यात्म वास्तव में भावना का चमत्कार है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम भावना की प्रबल शक्ति। पुस्तक परिचय। आज का मनुष्य भटक गया है, केवल पूजा पाठ को ही सब कुछ समझता है। पूजा पाठ कर लिया, अब बस हमें भगवान भी मिल जाएंगे और हमारी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। यह हमारी गलतफहमी है। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने यह बताया है कि पूजा पाठ तो सिर्फ प्रारंभिक प्रक्रिया है। हमें अगर भगवान को पाना है तो हमें योग और तप करना चाहिए, भगवान के पास बैठना चाहिए, यानी कि उपासना करनी चाहिए। लेखक ने इस क्रिया में भावना को बड़ा ही महत्वपूर्ण बताया है। अध्यात्म वास्तव में भावना का ही चमत्कार है। भावना और श्रद्धा के माध्यम से ही भगवान हमारे सामने आ सकते हैं। इस दुनिया में चेतना का तथा सर्वशक्तियों का एक ही भंडार है और वह है भगवान। अगर हम भगवान से एक हो जाएं तो हम भी भगवान हो जाएंगे। उनकी शक्तियों का जितना अंश ग्रहण करेंगे उस हिसाब से हम सामर्थ्यवान होते जाएंगे। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि हमें मनोकामनाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह दुनिया एक नियम से यानी कि कर्म व्यवस्था से चल रही है। कर्म के आधार पर ही हमें अच्छे और बुरे फल प्राप्त होते हैं। अगर हम उन्हें पूजा पाठ द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो यह सरासर गलत होगा। पुस्तक के कुछ प्रश्न। क्या पूजा पाठ करने वाले मनुष्य को दंड नहीं मिलता? क्या हम भी भगवान बन सकते हैं, महामानव बन सकते हैं? क्या पूजा पाठ से हम भगवान को पा सकते हैं? आध्यात्म की शुरुआत कहाँ से हुई? आध्यात्मिक किसे कहते हैं? भावनाओं में कितना सामर्थ्य है? योग किसे कहते हैं? उपासना क्या है? सोहम क्या है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक, जो कहती है कि हमें भगवान को हमारे मुताबिक चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। पुस्तक के कुछ अंश। चेतना एक ही है भगवान के पास। उसके अंश जितने भी हमारे पास आ जाते हैं उसके हिसाब से हम मजबूत, ताकतवर, संपत्तिवान और ज्योतिर्वान बन जाते हैं। पूजा और पाठ प्रारंभिक है और आवश्यक है। शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी। पूजा और पाठ का विकसित स्वरूप योग और तप है। भगवान के पास बैठ जाना यह शुरुआत है और दोनों का समन्वित हो जाना, दोनों का मिल जाना, दोनों का जुड़ जाना, दोनों का एकाकार हो जाना योग है। मिल जाएंगे फिर दो नहीं रह सकते, एक हो जाएंगे, फिर हम भगवान जैसे बड़े हो जाएंगे। अध्यात्म वास्तव में भावना का चमत्कार है। यह हमारी भावनाओं की शक्ति ही है जो मिट्टी में से भगवान पैदा कर देती है। भक्ति आएगी तो मनोकामना नहीं रहेगी और मनोकामना आएगी तो भक्ति नहीं रह सकती। कर्म दुनिया के लिए एक व्यवस्था है। लक्ष्मी को पाने के लिए हर आदमी लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहेगा, तब कोई भी आदमी दुकानदारी नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा, खेतीबाड़ी नहीं करेगा। पुस्तक के कुछ बिंदु। आध्यात्म की शुरुआत यहाँ से। पूजा पाठ प्रारंभिक कक्षाएं। समझदारी आने पर अगला पाठ। भाव भूमिका में प्रवेश। परमात्मा से योग। सामिप्य का चमत्कार। हमारी शिकायत भगवान का जवाब।